फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे जॉइंट प्रॉपर्टी होम लोन एंड जॉइंट प्रॉपर्टी ऑनरशिप। मीन्स आप जब अपना जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हैं अपने फ्रेंड रिलेटिव या मदर फादर सिस्टर या ब्रदर या अपने स्पाउस के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ, तो उस केसेज में आप किस तरीके जॉइंट होम लोन ले सकते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी लेने में क्या आपके प्रॉब्लम आएंगे, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस है। बेसिकली हम चैलेंजेस इसमें देखते हैं कि आप अगर कितने जॉइंट प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं अपने रिलेटिव के साथ, तो उसमें अगर आपके दो को ऑनर हैं, मतलब आप हैं और आपका रिलेटिव है, अगर किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उस केस में आपका प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगा, वो चीज़ हम फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं। पर जब ये केस आते हैं तो बहुत से कोर्ट केस अभी चल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें, अगर किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी दूसरी वाली जो रहेगी, तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पर इसे देखने से पहले हम इसमें 5 पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, हमारा इसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, मीन्स स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी, और पांचवा क्या है, आपका सक्सेशन हेयर ट्रांसफर, मीन्स आपके जो जो बच्चे हैं उनको कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा आपका। और पांचवा अपना देखेंगे हाई होम लोन एलिजिबिलिटी, मतलब हाई होम लोन आप पा सकते हैं इसके तहत। अब इसके पहले हमें कुछ केसेस समझ लेते हैं। जब आप अपने रिलेटिव या फैमिली मेंबर के साथ या अपने ब्लड रिलेशन के साथ होम लोन लेते हैं या आप जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर या स्पाउस के साथ, वाइफ के साथ, तो उस केसेस में आप किस तरीके से आपको प्रॉब्लम टैकल करना पड़ेगा, वो क्या हमें होम लोन किस तरीके से मिल सकता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। दूसरा केस आपका तब बनता है जब अपने आप दूर के रिश्तेदार या कहते हैं आपको कोई रिलेटिव नहीं है या आपको कोई फ्रेंड है जो दूर का है, आप उसके साथ लेते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, तो उस केसेस में आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। मीन्स उससे पहले कि आपको उसका ड्यू डिलिजेंस देखना पड़ेगा, आपको वो पर्सन ट्रस्ट वर्दीनेस रहना चाहिए, आपको एग्रीमेंट साइन करवा लेना चाहिए फ्यूचर के लिए कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसे आप सॉल्व कर सके, क्योंकि आप जानते हैं ये कोर्ट केस चलता है तो इसमें बहुत से डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, अभी चल रहे हैं इंडिया में टोटल। तो हम इस केसेस को जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली आप जब जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो जान लेते हैं। पहला क्या है, हाई होम लोन एलिजिबिलिटी। अगर मान लीजिए आप और आपकी वाइफ, मतलब स्पाउस, दोनों ने कितने हैं होम जॉइंट प्रॉपर्टी ली है और जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों यर्निंग है, मीन्स हस्बैंड भी कमा रहा है औरत भी कमा रही है, तो इसमें क्या फ़ायदा मिलता है आपको, कितने जो होम लोन की आपको एलिजिबिलिटी रहती है और आपको हाई अमाउंट भी मिलती है, मीन्स दोनों को अलग अलग एक अधिक मिल जाता है होम लोन के लिए, कितने हैं आपका एलिजिबिलिटी, और उससे आप बड़ा हाउस खरीद सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं आपके। पर इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप जब होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए, जॉइंट होम लोन, तो उसमें आपको अपना सिविल स्कोर देखना पड़ेगा। मीन्स अगर कहते हैं सिविल स्कोर आपका 750 से अबव है तो आपको इजीली होम लोन मिल जाएगा। पर इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अगर आपकी वाइफ का कहते हैं सिविल स्कोर थोड़ा कम है और आपका सिविल स्कोर अधिक है तब भी आपको होम लोन मिल जाएगा, इजीली कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। पर जब आप कितने इसकी ईएमआई और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जब आप होम लोन ले लिए पर आप कभी डिफॉल्ट कर दिए, मतलब उसका मिस्टेक से आप कितने पेमेंट दे करना भूल गए, तो उसमें आपका दोनों का सिविल स्कोर डाउन भी कर दिया जाएगा। और दूसरा केस ये बनता है कि आपने कितने हैं, जब जॉइंट ऑनरशिप आपने लिया है तो आप जॉइंट होम लोन ले सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आप और वाइफ ने कितने जॉइंट प्रॉपर्टी ली है, तो उसके लिए आप बैंक में जाकर जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको उस तरीके से बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। पर इसका उल्टा काम नहीं करता है, मीन्स आपने जॉइंट होम, आप जॉइंट को ऑनर हैं, आप मीन जॉइंट प्रॉपर्टी आपने ले ली है, पर जरूरी नहीं कि आप कितने जाकर जॉइंट होम लोन लें। मतलब पहले केस में आपको कितने जॉइंट होम लोन तब मिलेगा जब आप जॉइंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पर दूसरे केस में आप जॉइंट प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं पर आपको जॉइंट होम लोन लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल आदमी भी वो होम लोन ले सकता है। उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहले हम समझ लेते हैं, अगर आप सिंगल यर्निंग मेंबर है, मीन्स आप हस्बैंड यर्निंग है, वाइफ यर्निंग नहीं है, मीन्स हस्बैंड कमा रहा है वाइफ नहीं कमा रही है, तो उस केस में आपका क्या रहता है, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। मीन्स कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उस केस में टोटल जिम्मेदारी एक पे चली जाती है, या आपकी नौकरी चली जाए तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, आप वो होम लोन नहीं भर पाएंगे। दूसरा केस ये होता है कि आपने कितने लोन तो ले लिया, अगर बैंक आपसे इंस्टीट करेगा कि आप जॉइंट होम लोन लें, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक की एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो दूसरे पे टोटल भार पड़ जाएगा, उसे पे करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर सिंगल यर्निंग है, मतलब आपकी वाइफ आपको यर्न नहीं कर रही है, कमा नहीं रही है, आप केवल सिंगल यर्निंग है फैमिली में, तो होम लोन आप सिंगल ही लें, और जॉइंट प्रॉपर्टी तो अपने नाम, वाइफ और अपने नाम पे जरूर रखें, पर होम लोन सिंगल लें। इसको आपको फायदा मिलेगा
कि आपको जो फ्यूचर में जो है, क्योंकि वो आप पे ही टोटल ट्रांसफर होगा, आपकी वाइफ पे कितना टोटली, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है, टैक्स रिबेट या टैक्स बेनिफिट। इसके तहत पहला आपका क्या आता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट। ये आपका सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट पा सकते, क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ ने 3 लाख तक का प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है एक साल के अंदर, तो आप अलग अलग 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है इंटरेस्ट रिपेमेंट। इसकी ये सेक्शन 24 के तहत आता है, जिसमें आपको और आपकी वाइफ ने 2 लाख तक का लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी क्लेम किया है, तो आप 2 लाख तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत आपका एक और आता है अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत, जिसमें आप अगर 45 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो उसमें आपको सेक्शन 80EE के तहत आपको 1.5 लाख तक का और टैक्स रिबेट आप पा सकते हैं। मीन्स अगर इंटरेस्ट रिपेमेंट में हम देखें तो 2 लाख उधर प्लस 1.5 लाख इधर, तो टोटल आपको 3.5 लाख रुपए का टैक्स रिबेट मिल सकता है इंटरेस्ट रिपेमेंट के तहत। और पहला आपका 1.5 लाख का आप कितने में मिल रहा था, आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट के तहत, मतलब टोटल आपको जोड़ेंगे तो आपको 5 लाख तक का टैक्स रिबेट आपको मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपने वाइफ के साथ ही कितने आप जॉइंट प्रॉपर्टी ले तो उसमें ये टैक्स 5 लाख का टैक्स रिबेट आपको मिले। आपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड या स्पाउस, मतलब वाइफ के साथ भी आप ले सकते हैं ये टैक्स रिबेट। और दूसरा टैक्स बचाने का एक और तरीका है, अगर आप कितने टैक्स रिबेट अपना प्रॉपर्टी को रेंटल पे चढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए उससे भी कुछ रेंट आ रहे हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको सालाना आ रहा है, उस हिसाब से आपको कितने, आप मान लीजिए 10 लाख, 8 लाख रुपये का आपका टोटल सैलरी है उस हिसाब से ईयरली की, तो आपका टोटल आपका हो जा रहा है 10 लाख रुपये आ जा रहा है, मतलब 10 लाख से ऊपर के टैक्स ब्रैकेट में आप पाए जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, वो 2 लाख को अपने और अपने पार्टनर में स्प्लिट कर दीजिए 1-1 लाख रुपये, मतलब आपके टोटल आ गया 8 लाख प्लस 1, मतलब 9 लाख, मतलब 10 लाख के ब्रैकेट से ऊपर आप नहीं गए। मीन्स आपका टैक्स भी सेव हो गया, जो गवर्नमेंट आपका इनकम टैक्स लेती है वो भी आपका बच गया, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। हमारा तीसरा आता है, हमारा कहता है मॉनेटरी बेनिफिट। इसके तहत आप लोअर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। मीन्स मान लीजिए आप ऐसे हस्बैंड, आप अकेले ज्वाइंट होम लोन लिए, तो उसके तहत आपको जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ज्वाइंट प्रॉपर्टी की, आपको 6% पे करनी पड़ेगी। पर अगर आपकी वाइफ ने कितने सेम टू सेम कितने उस प्रॉपर्टी के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे की, रजिस्ट्रेशन जब आप करवा रहे हैं, तो वो आपको कितने केवल 4% लगेगा। वो अलग अलग स्टेट पर अलग अलग डिपेंड करता है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों ने जॉइंट में लिया, वो जो हस्बैंड का 6% लग रहा था स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के समय, तो वो 5% हो जाएगा, मतलब जॉइंट में आपको 1% की आपको कमी आपको अच्छा मिल रहा है, पर वाइफ का तो 4% हो रहा है, वो अलग की बात है, पर जॉइंट प्रॉपर्टी में आपको 6-5% हो जा रहा है, तो ये जरूर देखें। अपना चौथा पॉइंट ले लेते हैं, वो क्या है, आपका इंश्योरेंस बेनिफिट। जब आप होम लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, तो वो आपको इंश्योरेंस सेल करता है, वो कौन सी रहते हैं, होम लोन प्रोटेक्शन प्लान। इस होम लोन प्रोटेक्शन प्लान के तहत आप हस्बैंड और वाइफ दोनों कितने इंश्योर हो सकते हैं कि अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसका जो लोन का पार्ट रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, पर वाइफ को अपना लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। ये जो आपको होम लोन प्रोटेक्शन प्लान रहता है, इसकी प्रीमियम थोड़ी सी महंगी आती है, तो इससे अच्छा आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें अपनी सेपरेटली, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग ले लें, तो इसका ये फायदा रहेगा कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटी है आपने होम लोन लेकर रखा हुआ वो टोटल कवर हो जाएगी। कम इसका क्या फायदा रहता है एक और, कि आपको ये बहुत सस्ते मिलते हैं एज कम्पेयर टू होम लोन प्रोटेक्शन प्लान के तहत। अगर आप इसका पांचवा पॉइंट हम देखना चाहें, इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, शेयर ट्रांसफर टू योर सक्सेशन। मीन्स अगर आपने लीगल हेयर को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने शेयर, या अपने को ऑनर का ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये कैसे मेंशन हो सकता है। अगर आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेते हैं अपने वाइफ के साथ, तो उसमें आपको टोटल मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोच के चलते हैं कि मुझे अभी जो टाइम मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है वो आप सोचते हैं, जैसे आपको स्टैम्प ड्यूटी में कम चार्जेज लग रहे हैं, ये आपके दिमाग में रहता है, पर आप ये नहीं सोचते कि मैं फ्यूचर प्लानिंग में मेरा जो प्रॉपर्टी रहेगी वो किसे ट्रांसफर हो, मेरे लीगल हेयर को ट्रांसफर हो कि को ऑनर को ट्रांसफर हो। इसके लिए आपको सेम डिट साइन करना पड़ता है, उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आप जॉइंट, दो पॉइंट मेंशन करना पड़ता है, जॉइंट इन टेंडेंसी या टेंडेंसी इन कॉमन। अगर जॉइंट इन टेंडेंसी आप साइन करते हैं, उसमें आपको आप ये मेंशन करते हैं कि आपको जो आपके डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके को ऑनर का ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए आपके फ्रेंड है या आपकी वाइफ है, जिसने भी कहते हैं आपका जॉइंट प्रॉपर्टी आपके साथ लिया है, उसे ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या है, अगर आप कोई साइन नहीं करते हैं इसमें, अगर आप ये सेम डीड में, तो उसमें टोटली कहते हैं ये अनफॉर्चुनेटली ये माना जाएगा आप कॉमन इन डीड में, कॉमन इन टेंडेंसी में कर रहे हैं। मीन्स इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो आपका पार्ट रहेगा, वो आपके लीगल हेयर को चला जाएगा। आपने लीगल हेयर कौन कौन से हो गए, आपके आपके ब्रदर हो गए, आपके फादर हो गए, आपके मदर हो गए, या आपके सन्स हो गए, आपकी वाइफ हो गई। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड ने कितने प्रॉपर्टी ऑन की, अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है,
आपने कितने ये साइन करके रखा हुआ है कॉमन इन टेनेंसी, इसके तहत आपकी जो 50% प्रॉपर्टी रहती है वो आपकी कितने लीगल हेयर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उनके रेशियो के हिसाब से। मान लीजिए आपका लीगल हेयर आपने अपने सन को बनाया, अपने डॉटर को बनाया, अपनी वाइफ को बनाया, अपने फादर को बनाया, उस हिसाब से टोटल प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कहते हैं कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।